बंगलो सिलेक्ट करने निकले। वाओ भाई ये क्या जगह है भाई, क्या जन्नत चीज है ये। ये हमारा पूरा जो एक्टिविटी रूम रहेगा, यही सारी इधर ही करेंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है सरी, थोड़ा सा फनी। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। जय श्री राम। कच्चे कच्चे रस्तों पे जिंदगी है टेढ़ी सी, रोशन है राह। कर रहा हूँ विरल का वेट और मैं मरते दम तक वेट कर रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि ये धूप इतनी भयंकर है भाई, सुबह 9 बजे से इतनी भयंकर धूप लगने लगती है कि स्किन पे वो बोलते है ना चटके लगते हैं, गरम गरम वैसी वाली धूप हो रही है 9 बजे से। अभी तो 11 बजे जाते हैं ऑफिस, हमको छोटा सा शूट करना है, इसलिए मैं विरल हम साथ में जा रहे हैं, काम खत्म करते हैं। मिशन पे जा रहे हैं, जिंदगी और मौत का सवाल है। ऑफिस तक पहुँचते पहुँचते हम दोनों रहे ना रहे क्या पता। रहेंगे रहेंगे, इतना बुरा काम नहीं किया। हाँ इतनी धूप है ना, वहाँ कस्टम मेरे पास मास्क नहीं था तो अभी ये ले लिया। अभी कार का ऐसा पता चल रहा, कार अभी नहीं देने की थी। तो फिर बाद में ऐसा लगता कि मॉनसून आ जाएगा, उसके बाद फिर ऐसा लगता अभी भी नहीं देनी थी, अभी बारिश में बहुत काम आएगा। चल ले शोरूम ले लेते, चल पढ़ाइए डाउन पेमेंट, चल पैसा है ठोके। फाइनली हम जिंदा पहुंच गए भाई, क्या गर्मी है भयंकर, माँ कसम बहुत गर्मी है। विरल के यहाँ का डिटेलिंग देखो, ये सेव टमाटर की सब्जी और साथ में सेव, लेकिन उसके साथ में यही सेव डालने की थी, यही राजस्थान में 1.5 महीना रुक गया है ना, बीकानेर का भुजिया है, आदत पड़ गई। 1.5 महीना कब रुक गया है तू? वो लॉकडाउन में। ओ भाई लॉकडाउन में 4 साल हो गया लॉकडाउन को। विरल शादी करेगा तो राजस्थान में ही करेगा ऐसा लग रहा है, राजस्थान की कोई लड़की हो तो देखो विरल के लिए। वेलकम उर्विल, कौन से फल की सब्जी है आज? आम की सब्जी है, एक मिनट में आम के जमरू के वो ही है, उस दिन वाली ही है, जामफल ही है, जामफल। भाई फल को फल की तरह रहने दो, कोई केस करेगा। आते ही बोला कि बहुत तुम लोग को बहुत भाई, आते ही बोलता है कि तुम लोग को बहुत पसंद आएगा ऐसी सब्जी आज, और फिर से जामफल की सब्जी। उसको नहीं खाने का, इसके लिए अपने पे ढोल दे रहा है वो, उसको तो बहुत पसंद है। 9 दिन तक ऐसी आएगी सब, क्यों क्या है 9 दिन हमारी अम्मिल होती है, मतलब तवेरा 9 दिन तक सब लोग तब उबला हुआ फल, फल की सब्जी खाते घर पे, सब लोग ऐसा खाते घर पे, मतलब हरी सब्जियां नहीं बनती है 8 दिन के लिए। तो और भी बहुत ऑप्शन है, फिर भी मिल जाते हैं, हम अगर मेन्यू में देखे तो बहुत से ऑप्शन मिलते हैं। ये फल को क्यों परेशान करते हैं, खिचड़ी है, बहुत सारी चीज है, सेव की सब्जी है, सेव तो लाया ही है वैसे भी तू, सेव की सब्जी नहीं बनती। तेरी मम्मी को ही बात करना पड़ेगा, ये सब खा सके ऐसा कुछ दो। बिल्कुल मम्मी को इतना बोलूंगा ना, 1 घंटा पक्का नॉन स्टॉप सीढ़ी चलेगी, गरम ब्रेक भी नहीं लेंगे बीच में, बोलते रहेंगे, कुछ बोलने का मौका भी नहीं देंगे, कुछ नहीं वैसा कर सकते हम, बोल इतना बोल के कुछ और सब्जी भेजो सब खा सके, डायरेक्ट एयरफोन डाल के म्यूजिक ऐसे सुन सकते हैं, बोलते ही रहते हो वो क्या है अम्बेल, वो जो खाने का होता है ना, तो सब लोग सेवा करते हैं, लाभार्थी होते हैं, वो लोग ऐसे पिरसते हैं सबको। तो तू नहीं करता? मैं नहीं गया, मुझे आना था भाई। एक्चुअली मैं टाइम मैनेज करे तो सब हो जाओ, उधर अम्बेल में भेल भी बना के आता 12 बजे होता है भाई वो, अम्बेल 12 बजे स्टार्ट है। नहीं पकड़ सकते कुछ, सब रेडी है प्रिपरेशन के साथ। एक्चुअली मैं कल उसने मैसेज डाला विरल को 11 बजे, कल विरल सार पहुंच जाना, और ये 11 बजने में 2 मिनट बाकी थी तब पहुंचा, बहुत एकदम राइट टाइम पे आया। नहीं मम्मी 1 बजने को आ गए, मुझे हुई तो जो तो खरी तो सही भाई है क्या, वो तो देख गाड़ी की चाबी नहीं है, पेन ड्राइव भी नहीं है, ऐसे क्यों घूम रहा है गोवा में आया तू? अच्छा सिंगल है तो तेरे को ऐसा के इसमें ऐसा दिखेगा सब लड़कियां डीएम करेगी ऐसा, सिंगल बॉडी है, मतलब सिंगल बॉडी मसला मसला वर्ड कौन यूज कर रहा है, तेरा मकसद लगता है भाई, तू मकसद लेके आए यहाँ पे, चल ये मसला नहीं चाहिए ऐसा बोल रहा है ना। 6 महीने रुक जाओ, 6 महीने, 6 महीने में मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा इसका मसला, ले क्यों अभी हो भी गया, फटफट हो गया, देखा कितना जोगला आदमी है ये। आयुष एक चैलेंज वीडियो बनाते हैं जिसमें तू इधर सो जा और हम ऐसे ही रप्पा रप कूदेंगे खाली बस। नहीं 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 चैलेंज मेरे लिए इस बजाय चलो गाइस तो अभी हम जा रहे हैं, चलो गाइस तो अभी
अभी हम जा रहे हैं हैवी वाला घर देखने, हैवी वाला, हैवी हैवी हैवी। हाँ तेरा भाई सब कितना गया साला, मेरा पैर काट के इधर लगा दिया ऐसा लग रहा है। आयुष हमारी गाड़ी खोल, चल फटाफट। आयुष ओ उनो आ गया भाई, उनो फ्लिप लेके आया है आयुष। अब हम उनो फ्लिप खेलेंगे, बहुत टाइम से खेलना था ये उनो फ्लिप, लेकिन इसको खेलते कैसे वो तो पता है ना तुझे? हाँ मुझे पता है। तेरे साथ जब से वो खेल के गई ना भाई, तब से तेरे को सब चलो जाने दो अब छोड़ो भी। तेरा ब्रेकअप हुआ है कभी सच में? तो इसका ब्रेकअप हुआ है? नहीं खाद माँ की कसम, माँ की कसम रियल वाली है भाई। मतलब मेरी तरफ से हुआ है क्या? मतलब कि सामने वाली ब्रेकअप कुछ भी तेरी तरफ से सामने अंदर बाहर थर्ड पर्सन जो नहीं भी यार, नहीं रुक जा रो, माँ की कसम सही में नहीं हुआ, मतलब चालू है ब्रेकअप। अरे आज तक पटाई भी नहीं है भाई तेरे, यहाँ ये सनरूफ है क्या? मतलब तू तो निकल ही नहीं पाता होगा यहाँ से बाहर। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। हाँ नहीं है कुछ है ही नहीं, सच में नहीं निकल पाता ना, बोल तू कर एक बार। हाँ कर आयुष कैश ले लिया ना 50 लाख पड़ा ना पीछे, प्रॉपर्टी लेने जा रहे तो दे ही देंगे ना, और नहीं पसंद आए तो भी दे देंगे, पैसे उसको दे देंगे। सो वी आर सो रिच, प्रॉपर्टी का तो क्या है, तेरे में रह लेंगे उसमें क्या। अभी हम गए थे ना विजिट के लिए एक घर के, तो वहाँ पे एंट्री पे पूरा फॉर्म भरवाया पूरा, उसमें डिटेल नाम नंबर, उसके अंदर एक कैटेगरी थी मैरिज एनिवर्सरी, मैंने लिखा बाकी है और सब नाम नंबर सब तेरा डाला हुआ है। अबे साले कौन आया है किसी का, सब तेरा डाला है, और कैटेगरी बिजनेस लिखा है तो डांसर लिखा है, साला मैरिज एनिवर्सरी भी कैटेगरी में डाल दे लोग। सिंगल लोगों को क्या दुख होता होगा, मैं तो नहीं हूँ, मेरे को होगा ना, होता है मेरे को होगा, होना ही होगा भाई। यहाँ पे हम सीधा घर ढूंढे ढूंढे डायरेक्ट महल में आ गए, लेकिन ये उससे तो बहुत पास है आयुष, बहुत बहुत वो तो कितना अंदर बहुत था। दूर था, जमीन के पाताल लोक में था ये तो पास में। अभी अभी ये पूरा फॉर्म फिल करवा के पूरे 40 घंटे की माँ विनय कर देगा। इस बार किसका लिखेंगे? नए डायरेक्ट बाहर के आदमी का ही लिख देगा, ध्रुव का लिख देगा भाई, ध्रुव का लिखेंगे ना, प्लस 91 की जगह प्लस 192 लगा देना बस, चलने हो गया ऐसे ही भाई। आओ इधर डन करो, कैश निकालो डिक्की में से, डन करो इधर, ये संडास है भाई, ये तो कल इतना तो संडास है, और ये सब तो भाई नौकरों के लिए। देख उधर है ना बातचीत ये रखने की कि अपनी फॉर्च्यूनर इधर पार्क होगी कि नहीं, ऑडी पार्क होगी कि नहीं। अरे बड़ी बड़ी बातें बड़ा बहुत खाते, पट्टी देख नाइस होम, बोलो भाई क्या करना है, बंगला सिलेक्ट करने निकले, बस देखना ये और ऐसा उंगली रखनी के कारण स्किन है ना पूरी टैन हो जाती है, और फिर वो मेरा 10 out of 10 नहीं रहता, ओके 9 10 out of 8 हो जाता है। नाइस, क्या करना है, ले लिए तो ए वाला पसंद है, ए वाला पसंद है ना, नहीं है उतना बजट, क्यों नहीं है भाई। वाओ भाई ये क्या जगह है, ये इधर अपन इधर ही बैठे रहे भाई, इतना प्यारा है क्लब हाउस, पीता है तू? नहीं नहीं पागल हो क्या? ये कहाँ जा रहा है भाई, शादी मेरी शादी इधर ही करेंगे, फिक्स बैंक्वेट हॉल है, किचन चलो बनाते पास्ता बनाते, रहने दे नाक कटवाएगा भाई, आता है तेरे को, तो तेरे को इधर मैं जॉब दे दूंगा, टेंशन मत लेना। भाई ये रूम सिर्फ और सिर्फ जेंटलमैन लोग के लिए, जो ओपेरा सुन सकते हैं यहाँ पे, भाई क्या जन्नत चीज है ये, जैसे कि मेरे लिए जेंटलमैन, तेरा पता नहीं लेकिन मैं जेंटलमैन ही, लेकिन ये लवर हूँ, इसमें पुराने गाने सुनेंगे क्या मजा आएगा, बहुत बढ़िया के लिए अलग से रूम। अच्छा हाँ मीटिंग इधर ही डाल, मीटिंग के लिए भी रूम है भाई कस्टम से, क्या थिएटर है, संडे को सब वीडियो इधर रिलीज होंगे। इधर सिनेमा हॉल है और यहाँ 11D सिनेमा है, साहब लाइब्रेरी भी है, स्कूल में कभी कुछ पढ़ा नहीं लेकिन ऐसे बहुत इच्छा है कि ऐसे यहाँ पे आके एक एक घंटा स्पेंड करे। तेरे ऐसी डायरी ली भाई तूने, क्यों है ना, ये सोचे थोड़ा पढ़ने का ढंग करूंगा, पढ़ा लिखा लिखूंगा सच में। बॉलिंग पेड़ है और बाकी सब खेल सकते हैं, ध्रुव इधर ही दिखेगा, ध्रुव पूरा दिन इधर ही दिखेगा, बाकी सब फ्री है ओनर्स के लिए। वाह
भाई ये तो जन्नत है। मेरे को आता नहीं है खेलना, मेरे को आता नहीं है खेलना। रहने दे भाई रहने दे, ये किड्स सिनेमा है, बच्चे के लिए भी प्लानिंग है भाई। बच्चे का हमारा, बच्चे आएंगे ना 10 तेरे 20 मेरे। क्या कर रहे यार तू, मजाक है क्या? तेरे 25 बच्चे इधर ही देखेंगे मूवी, हमारे सबके बच्चे ना तेरे पास छोड़ देंगे हम। तेरे एक खबे पे बैठा है, इधर बैठा है, किधर बैठा है, सबको संभाल लेगा तू। एक बड़ा बच्चा सब छोटे बच्चे को फंड मिलेगा ना। कौन है तू? निकल अरे निकल। ये हमारा पूरा जो एक्टिविटी रूम रहेगा, और ये भाई यहाँ पे कुछ चाहिए ही नहीं भाई, ऐसी चीज़ है। स्पीकर आगे से भाई आयुष तो कूद जा, और जो एंजॉय करे ना सबका मजा किरकिरा कर दे। यहाँ पे तू सब एंजॉय करेगा, एक चीज एंजॉय नहीं कर पाएगा। पूल में भी कुछ जाएगा लेकिन इस पे एंजॉय नहीं कर पाएगा। मैं अमेजिया गया था ना, इसका पता था कुछ नहीं होता। मेरा वजन आदम से सेम कर दिया। भाई ये तो ऐसा हुआ, मुंह के पास निवाला लाके निवाला छीन लिया, मतलब बिल्कुल सूट तो सूट का ना, ना 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 ऐसा कर रहा था वो कोई जैसा रो पड़ा। हाँ सूट बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं है इधर, सूट अलाउड ही नहीं है। नहीं 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 ना मतलब ना, फिर इधर तो पाँव भी नहीं रखे हम। हमको एंजॉय थोड़ी करना है, हमारी एंजॉय की उम्र गई। मतलब एंजॉय के साथ हमारा काम होना चाहिए, ऐसा ही हम हर जगह ढूंढते हैं कहीं पे भी जाए तो। इतनी अच्छी प्यारी जगह बनाई तो हमको तो यहाँ पे कंटेंट ही कंटेंट दिखा पहले, फिर सब डिलीट मार दिया भाई ने कंटेंट। डिलीट करो भाई, ये सब नहीं चलता इधर। तो फिर इधर तो ये पॉसिबल ही नहीं है, भले 20 लाख का भी दे दे, 15 लाख में भी दे दे, 10 में भी दे दे तो भी नहीं ले। 2 लाख में दे दे तो ले ले, तो 20 लाख का भी दे दे, 15 लाख में भी दे दे, 10 में भी दे दे तो भी नहीं ले। चलो ये तो कैंसल होते हुए, लेकिन थी बहुत प्यारी जगह, ऑलमोस्ट बजट में भी आ रही थी, लेकिन क्या करे, सूट का ना बिल्कुल अलाउड ही नहीं ऐसा बोल रहा है वो। और वो तो कोई मीनिंग ही नहीं है ना भाई, पूरा मूड बैन, पूरा मूड ऑफ हो गया भाई। स्टार्टिंग में सबसे पहले ये पूछ रहा था हमें, सबसे पहले वो जो एजेंट है अपना मोटा भाई, उसको पूछा तो उन्होंने हाँ बोला। मेरे भाई मोटा भाई को पूछना चाहिए था, जो अभी मेन आया था ना, उसको तो पहले पूछना चाहिए था। घर देखते देखते भाई फार्म हाउस देखने लग गए, लेकिन सोचा कि ऑफिस से ये बस 15 मिनट की दूरी पे ही था, तो मैंने सोचा कि अगर ऐसे में भी रहने का हो जाए तो अच्छा ही, तो सूट की भी सारी चीजें फुलफिल हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, अभी सोसाइटी में ही देखना पड़ेगा। उर्वी रहता तो बहुत सेफ लगता है, क्यों रहता क्यों सेफ लगता है तुझे? मेरे ऊपर सारी बातें नहीं आती। उर्विल में 70% सेफ ही होते हैं, उर्विल के साथ सब लोग सेफ ही होते हैं, लेकिन आयुष को सेफ फील क्यों होता है? आयुष वो तो बता, अच्छा आदमी है। 70% बातें उर्विल पे चली जाती है ना रोज। 70 नहीं 90%। ये कहाँ आ गए भाई? एक और प्रॉपर्टी पे आए, और ये मुझे लग रहा था ये अच्छा है। क्या कर मिनी व्लॉग कर रहा है? सब चीजें की स्नैप पे अपडेट रह रहा है ऐसा। स्नैप पे बहुत क्राउड है, पता नहीं इंस्टा कब चला जाए कहाँ हो जाए। इसलिए स्नैप पे अपडेट रखे। हाँ व्हाइट हाउस, व्हाइट कपड़े पहन के इधर आने का, तेरा फोटो लगा देंगे चेयर पे रख देंगे, तेरा फोटो लगा के चेयर पे बैठेंगे और सब व्हाइट कपड़े में और रोएंगे। आयुष ये आयुष का रूम रहेगा, और जिसको सजा देनी है ना उसको नीचे सुलाएंगे। आयुष गिरा सब खत्म। आयुष तेरे ऊपर सोएगा, तेरे गिरते ही पूरी फैमिली तबाह। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। इतनी सारी और ऐसी ऐसी चीजें देख ली ना, ये क्या बोलूं, कुछ नहीं बोलेंगे, जल्दी दिखाएंगे। एसी चालू कर। अरे भाई अरे उसको अभी एसी चाहिए रहेगा, क्योंकि वो टूल पे घूम रहा था ना। बहुत प्रॉपर्टीज देख के थक गए गाइस, अभी खाने आया हूं, लेकिन स्ट्रीट फूड। ओके आयुष ये तेरी फ्रेंड क्या गई हमारी? मेरी आगे मैं अपना दे दूंगा, तुम्हारा तो ठीक है, तो थोड़ा डकार मारे तब थोड़ा गिर जाए ना उसमें, हमारी फ्रेंड की बन जाएगी। सो गाइस आ चुके हैं घर पे, खाना वाना खा के एकदम मस्त फ्री हो चुके हैं, मैच देख रहे हैं, और टाइम हो रहा है आपके भाभी के साथ कॉल पे बात करने का, वो भी तो उसके ब्लॉग में। आई होप कि आपको बहुत मजा आएगा। ये जो हमने देखे ना फार्म, उसमें से एक बहुत पसंद आया है, लेकिन वो दिखाया नहीं है क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, तो हम खुद देखने नहीं गए, लेकिन वो हमें जिस तरीके से एक्सप्लेन किया और जो भी सारे ग्रोसर बताए हमको, तो उस हिसाब से तो वो देखने जाएंगे, वो मेरे हिसाब से फाइनल लग रहा है। अभी मैं घर देखते देखते फार्म पे क्यों आ गया हूँ, लेकिन पता नहीं ये महीने के अंदर हमें फाइनल करना है। आपको कौन सा बेटर लगा, अच्छा लगा, वो भी आप बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, बाय।